हेलो भाई, मैं अवंकित। फाइनली रेडर का हाल डगमगा गया एक्सट्रीम की वजह से। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आज वाले वीडियो में अपन 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स या फिर कह सकते हो 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल के बारे में जानने वाले हैं मार्च महीने की। इस वीडियो के लिए बहुत सारे भाइयों का डिमांड था, मैंने सोचा चलो अब लिस्ट आ गया, वेट नहीं कराते भाइयों से, फटाफट बना देते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। पिछले महीने फरवरी से भी कंपेयर करेंगे, साथ ही उन गाड़ियों का लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस, पावर, टॉर्क, माइलेज, कर्वेट, कर्व ऑप्शन, टॉप स्पीड, ये सब भी जानेंगे। इसीलिए कहना चाहूंगा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, मजा भरपूर आएगा। आओ फटाफट शुरू करते हैं। 10th नंबर पे आइए यूनिकॉर्न। ये होंडा की प्रोडक्ट है, लेजेंडरी बाइक है भाई, हर कोई जानता है इसके बारे में। इसकी मार्च में 19,221 यूनिट बिक पाई है ऑल ओवर इंडिया में, जबकि फरवरी में 21,293 यूनिट बिकी थी। मतलब 2,072 गाड़ियां कम बिकी है फरवरी के मुकाबले मार्च के महीने में यूनिकॉर्न की। होंडा वालों के पास स्टॉक का थोड़ा इशू है भाई, लेकिन हाँ यूनिकॉर्न का तो स्टॉक मेरे को दिखा था शोरूम में भाई, तो यूनिकॉर्न थोड़ी सी कम बिकी है कह सकते हो, क्योंकि एसपी भी तो बिक रही है ना भाई, इसीलिए थोड़ा सा कस्टमर बढ़ जा रहे हैं। नहीं तो यूनिकॉर्न एक तरफा भी क्या करती थी जब एसपी नहीं थी, लेकिन अब एसपी हो चुकी है तो लोगों के पास दो चॉइस हो जा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा यूनिकॉर्न पे इफेक्ट पड़ा है। खैर ये आपको 131,685 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है ऑन रोड है। तो यूनिकॉर्न में अपने को भाई 13.27 bhp का पावर मिलता है मैक्सिमम, इसके अलावा टॉर्क मिलता है 14.58 nm का, बाकी वही 45-50 का माइलेज मिल जाता है। इसके अलावा 140 किलो कर्वेट है, 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी टॉप स्पीड आप गेस करो कितना होगा, वैसे कंपनी तो 106 ही क्लेम करती है भाई। बात करें अगली गाड़ी तो 9th नंबर पे आई है हीरो मोटोकॉर्प की पैशन सीरीज। यहाँ पे अपने को दो प्रोडक्ट मिलते हैं भाई, दोनों कंबाइन 22,491 यूनिट बिकी ऑल ओवर इंडिया में मार्च में, जबकि फरवरी में आंकड़ा 31,302 यूनिट का था। मतलब 8,811 गाड़ियां पैशन की कम बिकी, 8,811 गाड़ियां, कुछ होता है भाई। पैशन का भी हाल डगमगा गया भाई मार्च में। अगर आप पैशन प्लस लेना चाहते हो तो 92,115 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है, पैशन एक्सटेक लेते हो तो वो 96,473 रुपए का मिलती है भाई। पावर अगर अपने को मिलता है पैशन एक्सटेक में 7.91 bhp का, टॉर्क मिलता है 8.05 nm का, 60 kmpl का माइलेज, 115 किलो का कर्वेट, 4 कलर ऑप्शन, बाकी 85 kmph का टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है। लेकिन लोग बाग तो 100 भी टच करा देते हैं भाई, क्योंकि पैशन प्लस थोड़ी सी भारी है ना तो अच्छा भागती है। बाकी 8th नंबर पे है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350। इसका तो कोई हॉर्ड ही नहीं है भाई, ये गाड़ी बताओ इतनी महंगी है फिर भी टॉप 10 बाइक में आ रही है, मामूली बात नहीं है भाई। इसकी 25,508 यूनिट बिकी ऑल ओवर इंडिया में मार्च में, जबकि फरवरी में आंकड़ा 28,310 यूनिट का था। मतलब 2,802 गाड़ी कम बिकी है क्लासिक 350 की, कम बिकी है फिर भी इस लिस्ट में आई है भाई, बहुत बड़ी बात है। ये 224,371 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है ऑन रोड। इसमें पावर मिलता है 20.2 bhp का, 27 nm का टॉर्क, 35 kmpl का माइलेज, 195 किलो का वेट, 15 कलर ऑप्शन, बाकी 114 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। बाकी 7th नंबर पे प्लेटिना। फाइनली इस लिस्ट में प्लेटिना आ चुकी है भाई, टॉप 10 टू व्हीलर वाले में तो आई नहीं थी। खैर प्लेटिना में दो मॉडल मिलते हैं भाई, दोनों कंबाइन 31,552 यूनिट बिक पाई है मार्च में, जबकि फरवरी में आंकड़ा इससे भी बुरा था भाई, 28,718 यूनिट बिकी थी। मतलब 2,834 गाड़ियों का इंप्रूवमेंट हुआ है प्लेटिना के सेल्स में मार्च के महीने में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। प्लेटिना 100 लेते हो तो 73,000-74,000 तक मिल जाती है, वहीं प्लेटिना 110 की तरफ जाते हो तो आपको मोटा मोटी 84,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है ऑन रोड। टॉप मॉडल लोगे उसमें तो आपको मिलता है 94,000 रुपये का ABS वाला। पावर अगर मिलता है अपने को प्लेटिना 100 के बारे में जान लेते हैं, 7.27 bhp का पावर मिलता है उसमें, टॉर्क मिलता है 8.34 nm का, माइलेज आपको 65-70 का इजीली मिल जाता है, बाकी 117 किलो कर्वेट है, 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 90 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है प्लेटिना 100 में भी। बाकी 6th नंबर पे अपाची सीरीज, यहाँ पे अपने को भतीरो अपाची मिलते हैं, सबका यहाँ पे कंबाइन है भाई, बड़ी वाली जो अपाची आती है ना RR 310, RTR 310, उन सबका भी इसमें कंबाइन है। 34,237 यूनिट बिकी है सबकी कंबाइन मार्च में, जबकि फरवरी में आंकड़ा 34,593 यूनिट का था। मतलब 356 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। इतना चलता है भाई, कुछ खास गिरावट नहीं हुआ है। अगर आप अपाची RTR 164 भी लेते हो तो वो 1,48,000 तक मिल जाती है आपको, ऑन रोड बेस वेरियंट है। वहीं पावर की बात करते हो तो 17.31 bhp का पावर, इसके अलावा 14.73 nm का टॉर्क, बाकी 45 kmpl का माइलेज, 140 किलो कर्वेट, 5 कलर ऑप्शन, बाकी 114 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। वहीं अगर आप 2V वाला मॉडल लेते हो 160 में तो वो इतने से मिलना शुरू हो जाता है। अब आते हैं टॉप 5 में। 5th नंबर पे TVS की रेडर 125, इसका भाई जिक्र करा था हमने स्टार्टिंग में, इसकी मात्र मार्च में 38,026 यूनिट बिकी है। जी मैं सही बोल रहा हूँ, ओनली 38,026 यूनिट, 40,000 से भी इसका नीचे सेल्स आ चुका है एक महीने में ही एक्सट्रीम की वजह से।
रही बात फरवरी की, तो ये बिकी थी 42,063 यूनिट, मतलब 4,037 गाड़ियां कम बिकी है रेडर की पिछले महीने के मुकाबले। इस महीने 4,037 गाड़ियां, भाई मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि एक्सट्रीम इसको खा जाएगी, देखना। खैर रेडर आज के रेट में 1,11,443 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ बिहार सासाराम में पावर मिलता है 11.2 BHP का, 11.2 Nm का टॉर्क, 57 KMPL का माइलेज, 123 किलो ओकर वेट, 7 कलर ऑप्शन बाकी, 120 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। आपका क्या ओपिनियन है रेडर के प्रति मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी फोर्थ नंबर पे है इनकी HF डिलक्स, इनकी नहीं है तो हीरो मोटोकॉर्प की है ना भाई, इसकी 83,947 यूनिट बिकी है, 83,947 यूनिट, जबकि फरवरी में 76,138 यूनिट बिकी थी, मतलब 7,809 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है HF डिलक्स की, अच्छा सेल हुआ है। अगर आप HF डिलक्स लेना चाहते हो तो वही 70,000 तक मिल जाती है नॉर्मल बेस वेरिएंट जिसमें आपको सेल्फ स्टार्टर नहीं मिलता, वहीं अगर आप सेल्फ वाला लेना चाहते हो तो 80,000 तक मिलता है भाई। पावर अगर मिलता है HF डिलक्स में 7.91 BHP का टॉर्क मिलता है, 8.05 Nm का, 65 KMPL का माइलेज, 110 किलो ओकर वेट, 7 कलर ऑप्शन बाकी, 85 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। बाकी थर्ड नंबर पे पल्सर सीरीज, यहाँ पे मैं आपको सारा पल्सर का सेल्स बताऊंगा, सारा 1,21,087 यूनिट बिकी है सबकी कंबाइन, वहीं फरवरी में आंकड़ा 1,12,544 यूनिट का ही था, मतलब 5,543 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है पल्सर सीरीज की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, पल्सर दबा के बिक रही है भाई। और इसमें सबसे ज़्यादा पल्सर 125 भी बिकती है, मतलब मान के चलो 45% तो पल्सर 125 भी बिकती है नॉर्मल वाली। खैर अगर आप आज के रेट में पल्सर 125 लेना चाहते हो तो वो इतने से मिलना शुरू हो जाती है। बाकी रही बात N160 की, तो वो आपको 1,50,000 के समथिंग मिल जाती है भाई, वैसे अब तो 50,000 वाला बंद हो गया भाई, अब आपको टॉप मॉडल मिलता है ना ड्यूल चैनल ABS वाला, तो वो 1,60,000 के समथिंग जाता है, तो आप कह सकते हो स्टार्टिंग N160 1,60,000 से हो रहा है ऑन रोड है। पावर अगर उसमें मिलता है 15.68 BHP का टॉर्क मिलता है, 14.65 Nm का, 45 KMPL का माइलेज, इसके अलावा 152 किलो ओकर वेट, 3 कलर ऑप्शन बाकी, 120 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। बाकी सेकंड नंबर पे है होंडा की साइन सीरीज, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिलते हैं भाई, साइन 125, साइन 100 और SPE 125, तीनों कंबाइन 1,41,321 यूनिट बिकी ऑल ओवर इंडिया में, जबकि फरवरी में 1,42,763 यूनिट बिकी थी, मतलब 1,442 गाड़ियां कम बिकी है SP 125 और साइन 100 और साइन 125 की, 1,442 गाड़ियां, कुछ होता नहीं है भाई, लेकिन हाँ होंडा वालों के पास स्टॉक ही नहीं है तो क्या बिकेगा। अगर आप SP लेना चाहते हो तो मोटा मोटी हमारे यहाँ 1,222 रुपए से मिलना शुरू हो जाता है ऑन रोड, जिसमें आपको एसेसरीज नहीं मिलेगा, गाड़ी बस सिंपल सा मिलेगा, एसेसरीज के लिए आपको थोड़ा सा पैसा ज्यादा पे करना पड़ सकता है भाई। पावर मिलता है 10.22 BHP का, टॉर्क मिलता है 10.9 Nm का, 65 KMPL का माइलेज, 116 किलो ओकर वेट, 7 कलर ऑप्शन बाकी, 105 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। बाकी नंबर वन पे है भाई हमेशा की तरह इस लिस्ट में, आप सभी अच्छे जानते हैं स्प्लेंडर सीरीज, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, दोनों कंबाइन मार्च के महीने में 2,86,138 यूनिट बिकी ऑल ओवर इंडिया में, जबकि फरवरी में आंकड़ा 2,77,939 यूनिट का था, मतलब 8,199 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने स्प्लेंडर सीरीज की। अगर आप स्प्लेंडर प्लस नॉर्मल लेते हो तो वो 89,000-90,000 तक मिल जाती है, उसमें एक्सटेक लेते हो तो 94,000 तक मिलती है, वहीं सुपर स्प्लेंडर नॉर्मल लेते हो तो वो इतने का मिलती है, और सुपर स्प्लेंडर में अगर आप एक्सटेक लेते हो तो वो इतने से मिलना शुरू हो जाता है। बाकी हाँ यहाँ पे पावर वगैरह सुपर स्प्लेंडर का नहीं स्प्लेंडर प्लस का जान लेते हैं, 7.91 BHP का पावर मिलता है उसमें, 8.05 Nm का टॉर्क मिलता है, 60 KMPL का माइलेज, 112 किलो का कर्वेट, 7 कलर ऑप्शन बाकी, 90 प्लस आपको टॉप स्पीड मिल जाता है। तो यही है वो 10 बाइक्स जो सबसे ज़्यादा बिकी है मार्च के महीने में ऑल ओवर इंडिया में। बाकी यहाँ जाते जाते रेडर के बारे में अपना ओपिनियन जरूर बताना, आई होप आप सभी को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, इस साल के एंड तक अपने को 1,00,000 सब्सक्राइबर करना है अपने चैनल पे, तो वो आपके हाथ में है भाई, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, आप सबका सपोर्ट रहा तो जरूर हो जाएगा। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई दिल से, जय हिंद सभी, गो।